गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन राणा, पी एच डी मैथमेटिक्स, एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एमडिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाइव। तो आज हम सेवन्थ क्लास में जो चैप्टर फोर्थ है मैथमेटिक्स में, दैट इज सिंपल इक्वेशंस, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रीवियस चैप्टर था डाटा हैंडलिंग वो किया है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि जो प्रीवियस चैप्टर था वो अगर आपको करना है अच्छे से, तो जो वीडियोस हैं, जैसे आज की जो वीडियो है इसमें मैं लिंक दे दूंगा प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसका, उस चैप्टर का, ठीक है। तो आप उस चैप्टर, उस लिंक से जो वीडियो है, उस वीडियो में फिर से एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आप ऐसे ही, मैं हर एक वीडियो में जो लिंक देता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है वो उस वीडियो को, प्रेजेंट वीडियो को प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट करता है, तो आप ऐसे ही जो चैप्टर थर्ड है वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सिंपल इक्वेशंस चैप्टर फोर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इक्वेशंस मतलब इक्वल की बात आ रही है, ठीक है। तो इक्वेशन होती है जिसमें दो टर्म होंगी एंड द बोथ द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय इक्वल साइन। जैसे मान लीजिए आपने एक टर्म लिख दी 7x, एक लिख दी 5, ये टू टर्म्स हैं, ठीक है। अब इनके बीच में अगर मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, देन इट विल नॉट बिकम एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्वेशन तब बनेगी जब मैं 7x इज इक्वल टू लिख दूंगा 5, ठीक है। मतलब अगर बीच में इक्वेशन है, सॉरी, बीच में अगर इक्वल का साइन है, इट मींस वो क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि टर्म्स सेपरेटेड बाय इक्वल साइन गिव्स इक्वेशन, ठीक है। कोई भी टर्म्स जो नहीं, दो टर्म हो, कितने भी टर्म्स हो सकती हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x-5y = 3x+9, कुछ भी लिख दीजिए। मतलब कुछ टर्म्स यहाँ आएंगे लेफ्ट में, कुछ आएंगे राइट में आएंगे, और लेफ्ट राइट क्यों बना, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है, ठीक है। तो जब भी हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं किससे, इक्वल के निशान से, तो जो भी कंप्लीट वो बना उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखिए, कुछ टर्म्स आती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक तो होता है वेरिएबल, होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखिए, हालांकि आप ये पढ़ चुके हैं लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू इक्वेशन में, ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो वेरी हो सकती है, मतलब हम उसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 5x+3 = 0, ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, ना तो मैं 5 की जगह कुछ लिख सकता, ना मैं 3 की जगह कुछ लिख सकता, क्योंकि ये तो क्या हो गए, फिक्स हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। तो जो ये एक्स है, देन दिस एक्स इट विल बी वेरिएबल। में हम लिख सकते हैं कि वेरिएबल होता है हुज वैल्यू कैन नॉट बी, सॉरी, वेरिएबल हम लिखेंगे हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, ठीक।
अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट जैसे सेम अगर मैं इक्वेशन लेता हूँ 5x + 3 = 0, इसमें जो 5 है और 3 है दीज आर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसमें हम लिख सकते हैं हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, इनकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स रहेंगे 5 और 3, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है जो काफी इम्पोर्टेंट है। हम कई बार जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ax + b = 0, यहाँ पे x तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, x तो क्या हो गया, वेरिएबल। लेकिन जो ये a b है, ये है तो कांस्टेंट, लेकिन मैं इन a और b की जगह भी कुछ वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे a b की जगह c d हो सकता था, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। तो जो ये a और b हैं, इन्हें हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। एक चीज ध्यान रखिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, कांस्टेंट्स के लिए, और जो इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते हैं हम, ए बी सी डी यूज करते हैं हम उन्हें एज ए कांस्टेंट ही, बट दीज आर कॉल्ड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। एंड जनरली वी यूज एक्स वाई जेड टी एज द वेरिएबल, इनको हम किस में रूप, मतलब किस रूप में यूज करते हैं, वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बताया आपको। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस एक्सरसाइज के 4.1 के, जो इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ये आगे समझ में। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें एक टेबल बना रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ सीरियल नंबर, यहाँ पर है इक्वेशन, वैल्यू यहाँ पर है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस एंड नो, ठीक है। आपको बताना है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें देखिए इक्वेशन है x + 3 = 0, वैल्यू दे रखी है x = 3। देखिए आपको इक्वेशन दे दी x + 3 = 0 और यहाँ पर वैल्यू दे दी x की क्या है, 3 है, जो हमें यूज करनी है यहाँ पर। और पूछा गया है कि वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, आपको बताना है कि x की वैल्यू यहाँ रखने से ये सेटिस्फाई होता है नहीं होता। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए सेटिस्फाई का मतलब क्या है। सेटिस्फाई का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हो गए तो इट मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज नो। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 + 3 = 0, तो 6 = 0, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आंसर आ गया इसका, नो आ गया। आप लिख सकते हैं नॉट सेटिस्फाइड, या फिर सिंपली नो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। इसके सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। सेकंड में है x + 3 = 0 एंड x = 0, सेकंड पार्ट में x की वैल्यू अब 0 पुट करनी है। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 + 3 = 0, 3 = 0 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ गया, नो आ गया।
आपको बस यही चेक करना है लेफ्ट और राइट को इक्वल है या नहीं। इक्वल आ जाते हैं तो यस, नहीं आते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये दे रखा आपको थर्ड। देखिए अब x की जगह पर यहाँ माइनस थ्री पुट कीजिए। अगर मैं माइनस थ्री पुट करता हूँ तो क्या बना, माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इट मीन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, थ्री माइनस थ्री जीरो आ गए। अब सेटिस्फाई है तो हम लिख देंगे कि यस, मतलब अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई तो यस, अगर इक्वल नहीं आई इट मीन्स नो, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है। x माइनस सेवन इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू सेवन, ये पूछा गया। अब देखिए अगर मैं x की जगह यहाँ पर 7 पुट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 7 पुट करूँ तो कितना आया, 7 माइनस सेवन इज इक्वल टू वन, जीरो इज इक्वल टू वन, तो क्या आ गया, नो आ गया। तो जीरो वन के इक्वल थोड़ी है, तो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है फिफ्थ पार्ट। इसमें x माइनस सेवन इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू एट दे दिया। अब आपको x की जगह क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 8 पुट करता हूँ x की जगह पर, तो 8 माइनस सेवन इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू वन, इक्वल आ गया तो क्या आ जाएगा, यस, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसको इक्वेशन में पुट करना है x की जगह पर। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है इट मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज, ठीक है। Pause the video and note it down. ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कुछ और पार्ट्स देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ऐसे ही पार्ट है वैसे तो, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे सिक्स सेवंथ पार्ट देख लेते हैं हम। सेवंथ पार्ट में लिखा हुआ है 5x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 5। 5x 25 की इक्वल दे रखे हैं और x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो चेक कीजिए x की जगह पे अगर मैं 5 रखूं तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 5 जब 25 इज इक्वल टू 25, तो इक्वल आ गया इट मीन्स यस, ठीक है। इक्वल आ जाए तो यस, इक्वल ना आए तो नो। और नाइन्थ पार्ट देखते हैं। ये भी इसके जो पार्ट्स हैं उसमें टोटल 11 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, वो आपको अपने आप करने हैं। नाइन्थ पार्ट में m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस 6, ये दे रखा आपको। m की जगह पर क्या पुट कीजिए, माइनस 6 पुट कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं m की जगह पर माइनस 6 पुट कर देता हूँ, माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर अगर मैं कैंसिल कर दूँ 3 टू 6, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2। देखिए वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है 2 2, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ माइनस 2 है इज इक्वल टू 2, तो इक्वल है ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, नो, ठीक है। तो ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार जो हमने आज किया है एज ए समरी आपको बता देता हूँ। हमने चैप्टर जो जनरल इक्वेशन है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इक्वेशन के बारे में बताया था। इक्वेशन क्या होती है, दो टर्म्स, द टू टर्म्स, टू और मोर
वी कैन से मीन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल साइन. ओके सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, द टर्म्स दैट आर सेपरेटेड बाय इक्वल साइन इज कॉल्ड द इक्वेशन. उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं. इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है और वैल्यू दे रखी है. उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे रखी है, वो आपको पुट करनी है यहाँ पर. ठीक है, पुट करने के बाद आपको चेक करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे. इक्वल आ रहे हैं इट मीन सेटिस्फाइड, तो आप यस लिख दीजिए. नहीं आ रहे तो नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या लिख दीजिए, नो लिख दीजिए. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट करना है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ. थैंक यू वेरी मच.